दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम मेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन जहां पर हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट आपका चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी विच इज द फाइनल चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसमें भी आज हम लोग सिर्फ उसी पार्ट पे फोकस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। इस चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी हम करने वाले हैं क्योंकि कुछ बच्चों के स्कूल में वो करा रहे हैं और कभी कभी ये चैप्टर को पूरी तरह समझोगे तो और मजा आएगा, तो वो हम अगले हफ्ते करेंगे। सो वेलकम टू टुडे सेशन, आई होप यू लाइक इट। हम लोग जब चैप्टर कर लेंगे दैट इज द पार्ट दैट इज कमिंग इन योर बोर्ड एग्जाम्स, उसके बाद हम ये भी बात करने वाले हैं कि इससे एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्या है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है। तो सेशन थोड़ा लंबा होगा और फिर मेंटी भी होगा, ठीक है? तो वेलकम टू टुडे सेशन। हाय गाइस, नमस्ते टू यू। हाय अनुष्का, हाय दिव्या, हाय मोटू पतलू, हाय गुनगुन, हाय सुमित, हाय दिव्या। ऑलराइट, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। लाइक नहीं किया है तो मजा नहीं आ रहा आपको, लाइक कर दो चलो, और सब्सक्राइब भी कर दो गाइस। वेदांतु 9-10-10 चैनल आपके लिए है सो दैट क्लास 10 में हमने आपका जो हाथ थामा है वो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। वी विल मेक श्योर कि आप क्लास 11 में जाओ तो फ्लाइंग कलर्स के साथ जाओ। SST मतलब सुरभि मैम होना चाहिए, ये मेरा गोल है। ऐसा होना चाहिए कि मेरे सेशंस के बाद आपको कॉन्सेप्ट की अच्छी क्लैरिटी हो जाए, आपको पता चल जाए कि क्या भाई क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो। एंड दैट इज माय गोल फॉर ऑल ऑफ यू, और आई होप आप लोग मेरे साथ इस गोल पे चलते रहो। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हाय हाय मैम, मेसी या रोनाल्डो, ये भी ग्लोबलाइजेशन ही है कि आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो। हाय गाइस, बेटा मैं फुटबॉल नहीं देखती, ठीक है? चलो स्केड्यूल ऑफ द वीक देख लेते हैं। तो इस हफ्ते काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली है। कल 9 बजे हमने एक बहुत अच्छा सेशन किया था एसर्शन रीजन पे, मेक श्योर कि यू वॉच इट, क्योंकि एसर्शन रीजन में काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि कैसे आंसर करना है, बार बार इसी में बच्चों के मार्क्स कटते हैं। एंड आई हैव ऑल्सो डिस्कस द प्रीवियस बोर्ड एसर्शन रीजन क्वेश्चन दिखाने के लिए कि पेपर एक्चुअली बहुत ईजी आता है। दूसरा है टुडे वी आर गोना डू ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी बोर्ड वाला सिलेबस। फिर हम लोग करने वाले हैं परसों थर्सडे को 3 बजे लाइव होगा, तो जो बच्चे स्कूल से आ जाते हैं 3 बजे प्लीज आ जाना। टॉप 20 एसर्शन रीजन क्वेश्चंस फ्रॉम सिविक्स। फिर हम लोग करने वाले हैं उसी दिन 6 बजे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट 1। देन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन SST टॉपर पेपर एनालिसिस, जिसमें हम सोशल स्टडीज का जो टॉपर का पेपर है उसको एनालाइज करेंगे। फिर हम लोग मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज कंटिन्यू करेंगे, मैप्स करेंगे, NCERT सॉल्यूशंस करेंगे, मैप को कैसे याद करना है वो भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी, ठीक है? 1080 में भी खराब हो रही है, यहाँ तो बहुत अच्छी आ रही है गाइस, मुझे दिख रही है अपनी वीडियो, पता नहीं क्या बोलूं। गाइस इज द वीडियो क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? व्हाट इज माय फेवरेट स्पोर्ट? आई लाइक टू प्ले स्विम, आई लाइक टू स्विम, थैंक गॉड कोई तो स्पोर्ट आया दिमाग में। यस, ज्योग्राफी बिल्कुल समझ नहीं आती बेटा, ज्योग्राफी टफ होती है, मेरे लिए भी जब मैं स्टूडेंट थी इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स, आई हेटेड ज्योग्राफी विद ऑल माय हार्ट, उसी में मेरे मार्क्स कटते थे। आप बड़ा होके लाइक एज आई ग्रू अप आई रियलाइज इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें लॉजिक है। पर क्या होता है ना, क्योंकि उसमें इतना रटना होता है तो उसके लिए आप अपना टेबल बना के रखो और बार बार उसको पढ़ते रहो तो ईजी लगेगा, ठीक है? थैंक यू डेट्रॉइड। Let's start with the motivation. No one ever injured their eyesight by looking on the bright side. Wow! हमेशा जिंदगी में एक ब्राइट साइड होता है, एक डार्क साइड होता है। जैसे अगर आज आपको कुछ बारिश हो जाती है तो आप हो सकते हो अरे यार बारिश हो गई मैं कुछ कर नहीं पा रहा, एंड यू आर फीलिंग सैड एंड डिप्रेस्ड, या आप सोच सकते हो आज बारिश हो गई है ये अच्छा मौका है कुछ बुक्स पढ़ने का जो मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ी थी। तो आप किसी भी सिचुएशन को कैसे देखते हो, पॉजिटिवली देखते हो, नेगेटिवली देखते हो, आपके ऊपर है। और अगर आप पॉजिटिवली देखते हो तो आप अंधे नहीं हो जाओगे बल्कि आगे बढ़ोगे, ठीक है? दैट इज व्हाट दिस सेइंग मीन्स। चलो मैम, विल इकोनॉमिक्स बी ओवर विद दिस सेशन? यस, इकोनॉमिक्स का बोर्ड सिलेबस विल बी ओवर, बट एज आई टोल्ड यू गाइस ये वाले चैप्टर का मैं फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी करूंगी। द रीजन फॉर दैट इज मुझे लगता है ना कि ये चैप्टर लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, और गलती से अगर कुछ जनरल क्वेश्चन आया थोड़ा ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड तो यू विल बी एबल टू आंसर इट, आएगा इसी पार्ट से बट फिर भी मैं कर दूंगी, ठीक है?
ओके चलो मनी एंड क्रेडिट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर दीजिए। मनी एंड क्रेडिट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए हैं गाइस, इट्स ऑलरेडी ऑन द चैनल, है ना, मैंने कर दिए राइट, बताना अगर मैंने किए हैं या नहीं। चलो तो गाइस एएनआर सेशंस इस इन तीनों के सॉल्यूशंस कम्युनिटी पेज पे है, मैंने ऑलरेडी समझा दिए हैं, चलो वापस से कर देते हैं। इन इंडिया नो इंडिविजुअल कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट मेड इन रुपीज, इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट? हाँ, रुपी इज द लीगल टेंडर इन इंडिया, ये भी ट्रू है। तो इंडिया में कोई भी रुपी को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इंडिया में रुपी एक लीगल टेंडर है, उसको सरकार जो है आरबीआई जो है वो एस्टेब्लिश वो यू नो नोट छापती है। सो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, ये ट्रू है। पीपल वॉन्ट फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, ये भी ट्रू है। तो गाइस डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स और सब लोग जो है फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू जब ये क्वेश्चन आया था तो ए ऑप्शन दे रखा है आपके सॉल्यूशन में, तो ए है। बट इस क्वेश्चन में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है क्योंकि कुछ बच्चों को बी लगता है, ठीक है। तो इवन आई गेट कंफ्यूज, बट एनीवेज क्वेश्चन ये है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हैं, बट सारे लोगों को ये गोल्स चाहिए होते हैं। बट गाइस कभी कभी जो है ना लोग इवन द एवरीबॉडी वांट्स दीज गोल्स, बट देयर माइट बी अ सिचुएशन वेयर यू वांट मनी मोर देन एनीथिंग एल्स, है ना। तो दैट इज वाई आई थिंक सीबीएसई ने इसे ऑप्शन ए बोला था। ओनली 58 वॉचिंग, मैं और इम्प्रूव करूंगी जिससे और बच्चे वॉच करें। चलो, पल्सेस आर कंसिडर्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट, ट्रू। Being a leguminous crop, they help in restoring the soil fertility by fixing nitrogen from the air. ये भी true है, but दोनों statements में कोई relationship नहीं है, ठीक है। तो काफी बच्चों ने सही जवाब दिया था, इनका homework superstars के नाम मैंने तब भी बता दिए थे। Alright, can we start with the chapter? Ma'am, world के second best teacher, अच्छा हाँ, वो भी मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं वो वाले टीचर जिनका नाम यहाँ बोला जा रहा है, इवन आई लाइक हिम। चलो लेट अस स्टार्ट। हाय अनमोल मैम, फोन यूज करते हैं या डेस्कटॉप यूज करते हैं? डेस्कटॉप यूज करते हैं। एसएससी का रिजल्ट आज आया, होपफुली अच्छा आया। हाय अनमोल, शुरू किया जाए, थैंक गॉड शिविका, किसी ने तो बोला। तो गाइज 76 आउट ऑफ 80 इज गुड मार्क्स। चलो फोकस करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। Now guys, ये जो टर्म है ग्लोबलाइजेशन, इससे आप क्या समझते हो? ग्लोब मतलब पूरी धरती, और ग्लोबलाइजेशन एक तरीका है जिसके थ्रू हम सब आज कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप किसी ठेले पे जाते हो तो गोलगप्पे के साथ साथ चाइना के मोमोज भी मिलते हैं, या फिर मैक्सिकन खाना आप इंडिया में खा सकते हो, या फिर ये जो टी शर्ट है या जीन्स है ये शायद चाइना में बनी थी, यूएस में इसकी मार्केटिंग हुई थी, इसका कॉल सेंटर इंडिया में है और आज मैं ये जीन्स पहन रही हूँ। ऑल ऑफ दिस इज नथिंग बट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आज हम कहाँ बैठे हैं, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, है ना। आज जब वॉर हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो उस वॉर का इम्पैक्ट हमने भी देखा, जब हमने देखा पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए, जब हमने देखा कि सारी जो फंडिंग आती थी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को वो ख़त्म हो गई क्योंकि रशिया और यूक्रेन से आती थी। तो समथिंग दैट हैपेंस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज टूडे अफेक्टिंग अस, जो बल्कि हम दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह रहे हैं। ऑल ऑफ दिस इज अ आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन लिटरली ये है कि हम लोग अपने, कभी लाइफ में हम अमेरिका नहीं गए पर अमेरिका के मैकडॉनल्ड्स का बर्गर जरूर खा रहे हैं, राइट। कभी चाइना नहीं गए, कभी चाइना का सोच भी नहीं सकते जाने का, बट चाइनीज फूड हम आराम से खाते हैं एक ठेले के ऊपर बैठ के, राइट। सो ऑल ऑफ दिस इज नथिंग बट ग्लोबलाइजेशन। मैम, इज G20 इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर? नो बेटा, व्हाई विल G20 बी इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर? मेंटी होगा, ठीक है। तो पानी आ गया मुंह में। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन इज, अच्छा ये वाला पार्ट है चैप्टर में, बोर्ड एग्जाम्स में, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव लेड टू ग्लोबलाइजेशन, दो से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड
इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन कंट्रीज अंडर कंडीशंस ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल एंड मूवमेंट ऑफ पर्सन अक्रॉस बॉर्डर्स। मतलब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लोग हो, सामान हो, टेक्नोलॉजी हो, वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से फ्लो कर पाते हैं। दे आर एबल टू इजिली फ्लो। आज मैं चाहूँ तो अमेरिका भी जा सकती हूँ, आज मैं चाहूँ तो न्यूजीलैंड का कीवी मंगवा के खा सकती हूँ, राइट? सो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स है, टेक्नोलॉजी है, एंड उसके वजह से हम बहुत जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, मार्केट्स इंटीग्रेट हो पा रहे हैं। इसको याद कर लो लाइन को, ठीक है? मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब मनी, है ना? जैसे आप फ्लिपकार्ट को देखो, इंडियन कंपनी है बट मैक्सिमम पैसा उसमें चाइनीज कंपनी में डाल, चाइनीज गवर्नमेंट ने डाल रखा है, राइट? या चाइनीज कंपनी ने डाल रखा है, तो इन्वेस्टमेंट का फ्लो भी हो रहा है और टेक्नोलॉजी इज मूविंग बिटवीन कंट्रीज, है ना? टुडे आई एम यूजिंग दैट रोबोट पोछा लगाने के लिए, तो वो रोबोट इंडिया में नहीं बना था, कोई और कंट्री की टेक्नोलॉजी आज हम यूज कर रहे हैं, राइट? ऑल ऑफ दिस इज नथिंग बट ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन किस चीज के वजह से पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड अ एमएनसी। एमएनसी क्या होता है? एमएनसी का नाम, एमएनसी का मतलब होता है मल्टी नेशनल कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक नेशन में, एक देश में सीमित नहीं रहती। उसका प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो अलग अलग देशों में स्प्रेड आउट होता है। फॉर एग्जाम्पल इस टी शर्ट को ले लो या फिर जूता ले लो, हो सकता है कि जूते के जो कॉम्पोनेंट्स है वो दुनिया के अलग अलग पार्ट से कलेक्ट करके चाइना में लाए गए हो, चाइना की फैक्ट्री में उसको साथ में लिया गया, साथ में असेंबल किया गया हो, फिर वो यूएस जाता हो, यूएस में उसका मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट होता हो, उसकी ब्रांडिंग होती हो, फिर उसके बाद वो दुनिया भर में बेचा जाता हो और उसका कॉल सेंटर इंडिया में हो। सो व्हेन द प्रोडक्शन इज स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन नेशंस, ऐसी कंपनी को आप एमएनसी बोलते हो। आप जल्दी से बताओ एमएनसी का एग्जाम्पल क्या है? थैंक यू अनुष्का, एमएनसी का एग्जाम्पल बता दो क्या है, बहुत सारे हैं, जल्दी से आप लोग यहाँ एग्जाम्पल बताओ। एमएनसी सेट अप ऑफिसेस, सो ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। मैकडोनल्ड्स इज एन एमएनसी, गूगल इज एन एमएनसी, सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो अक्रॉस द वर्ल्ड, जॉब्स देती है वो लोगों को अक्रॉस द वर्ल्ड, अमेजॉन इज ए एमएनसी, कोका कोला इज एन एमएनसी। इंडियन एमएनसीज के नाम भी बता सकते हो, इन्फोसिस इज एन एमएनसी, वॉल्क्सवैगन, टाटा, है ना? ऑल ऑफ दीज आर एमएनसीज। अब जो एमएनसीज होते हैं उनका मेन मतलब ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ इंडिया में प्रोडक्शन करके इंडिया में ही बेचे? ऐसा क्यों है कि वो प्रोडक्शन अलग अलग देशों में करती है? क्योंकि एमएनसीज का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। कोई भी कंपनी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, और उनका काम होता है कि हम प्रॉफिट तभी कमा सकते हैं जब अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम तब होगा जब आपका रॉ मटेरियल आपको सस्ते में मिलेगा और आपको लेबर सस्ते में मिलेगा। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपको अपनी फैक्ट्री लगानी है। अब एक तरीका है बोलने का, यार यही घर के साइड में लगा लेती हूँ, मम्मी कपड़े धो देंगी, पापा खाना ले आएंगे, है ना? बट वो तरीका नहीं होता इंडस्ट्रियलिस्ट का। इंडस्ट्रियलिस्ट सोचते हैं हम ऐसी जगह अपनी फैक्ट्री लगाएंगे जहां पर इनपुट ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट सबसे कम होगा। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट और लेबर का कॉस्ट जहां उनको कम मिलता है, वेयर दे गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, ऐसे देश में वो अपना प्रोडक्शन को सेटअप करते हैं। अब ये पार्ट गाइस, कुछ कुछ पार्ट हो सकता है कोर्स में ना हो बट मैं एग्जाम्पल की तरह यूज कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर है, जैसे एक एमएनसी है, उसने अपना एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की फैक्ट्री खोली जिसका रिसर्च होता है यूएसए में, मैन्युफैक्चरिंग होता है चाइना में क्योंकि चाइना में चीप लेबर मिलता है, वहाँ की सरकार की पॉलिसीज ऐसी है कि आप बहुत सस्ते में प्रोडक्शन कर पाते हो, फिर उन्होंने मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में प्रोडक्ट को असेंबल किया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट पूरे दुनिया में बेचा जाता है, कॉल सेंटर इंडिया में है क्योंकि इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग लोग काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, सस्ते में मिल जाते हैं, राइट? सो वेयर कैन आई गेट चीप लेबर अक्रॉस द वर्ल्ड? यू कैन गेट चीप लेबर, जहां भी आपको चीप लेबर मिलता है वहां पर आपको एमएनसीज मिलती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन दीज कंट्रीज राइज एंड ऑल्सो फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज विल इंक्रीज। इस लाइन का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है जब हम किसी भी प्रोडक्शन एंटरप्राइज में पैसा डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज अगर आप लोग एक खुद का पॉटरी बिजनेस खोल रहे हो, है ना, और आप अपना खुद का पॉट बना रहे हो, आपको पैसा चाहिए रॉ मटेरियल के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, तो आप कहोगे यार मुझे पैसा इन्वेस्ट कर दो मेरे बिजनेस में, जो प्रॉफिट मिलेगा उसका 20% मैं आपको दे दूंगी, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है जब यही इन्वेस्टमेंट किसी फॉरेन कंट्री से आया होता है तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो अगर आज हमारे देश में एप्पल एक फैक्ट्री लगा रहा है या कौन एक कंपनी है ना जो इंडिया में फैक्ट्री लगाने वाला है, टेस्ला है ना, टेस्ला एक फैक्ट्री लगा रहा है तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया में वो लैंड खरीदेगा, इंडिया में वो लेबर एंगेज करेगा, इंडिया के गुड्स वो खरीदेगा, तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर MNCs इंडिया आती है तो बाहर का पैसा इंडिया में आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है, और इस तरीके से जब ज्यादा से ज्यादा सामान बनता है तो फॉरेन ट्रेड भी बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड कर पाती है। राइट, अ लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय MNCs, मोस्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज डन बाय दीज बिग MNCs टुडे। बल्कि MNCs इतना पैसा कमाने लगी है, समटाइम्स मोर देन कंट्रीज, कंट्री का जो GDP होता है ना उससे ज्यादा इनकम गूगल का है आज। राइट, सो MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि MNCs ने इतना ज्यादा इंटीग्रेट कर दिया है मार्केट को। अगर आज जब कोविड आया था तो एकदम से सारे मार्केट जो है रुक गए थे, क्यों? क्योंकि चाइना ने अपने आप को क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था, और चाइना में सारा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, तो सामान कैसे आए बाकी देशों में, समझ रहे हो? तो MNCs इज प्ले अ पिविटल रोल इन ग्लोबलाइजेशन। मैम आई बाइंग आइटम्स भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है? नहीं, वो एक्सपेंडिचर होता है। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है। अगर आज मैंने पैसा लेके कोल्ड ड्रिंक खरीदी, कोल्ड ड्रिंक मैंने खाई, खत्म। इन्वेस्टमेंट होता है अगर मैं कंपनी में पैसा लगाऊं या पढ़ाई में पैसा लगाऊं तो मैं दे रही हूं, मुझे कुछ वापस भी मिल रहा है ना, इफ आई एम पेइंग और मुझे वापस एक प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो अगला। नाउ वन एग्जांपल इज फोर्ड मोटर्स का। फोर्ड मोटर्स अब तो इंडिया से निकल गई, बट जब इंडिया में आई थी तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर भी करती थी गाड़ियाँ, उसको इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में भी बेचती थी, इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचती थी, सर्विसेज भी प्रोवाइड करती थी। तो द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर ट्रेड इज ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट और प्रोडक्शन आपके कोर्स में है नहीं, पर ये लाइन लिखी हुई है, तो आप एक बेसिक समझ लो कि आज जो है इंडिया में बैठ के, अपने घर में बैठ के आप न्यूजीलैंड का कीवी भी खा पाते हो, नागपुर का ऑरेंज भी खा पाते हो, है ना, यूएसए के ब्लूबेरीज भी खा पाते हो। दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। राइट, तो जो हम कंज्यूमर्स है, हमें बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिल रही है ग्लोबलाइजेशन के वजह से। अगर आज मैं अपना ऑनलाइन स्टोर खोलती हूँ जिसमें मैं सूट बेच रही हूँ, टी शर्ट बेच रही हूँ, तो आप मुझसे भी खरीद सकते हो और एक जारा और मैंगो जैसे बड़े ब्रांड से भी खरीद सकते हो, पैंटेलून से भी खरीद सकते हो। तो एज अ यू नो प्रोड्यूसर, मैं सिर्फ डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन से कम्पीट नहीं कर रही, मैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से कम्पीट कर रही हूँ ग्लोबलाइजेशन के वजह से। ठीक है, क्लियर गाइज, आई होप थोड़ा क्लियर है, है ना। चलो, नाउ व्हाट आर द मूवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये ग्लोबलाइजेशन के वजह से गुड्स का मूवमेंट हो रहा है ट्रेड के थ्रू, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग जो है एक दूसरे के कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और तीसरा है टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है आज। एज आई टोल्ड यू, वो रोबोट वाला पोछा मेरे घर पे है जो चाइना में किसी ने या यूएस में किसी ने बनाया होगा, है ना। सो मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट मीन्स ग्लोबलाइजेशन। अब आपके बुक में बीच में ये क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ MNC इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो आप इसको लिख सकते हो कि MNC से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन ट्रेड बढ़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट होता है। राइट, यू कैन से दैट। थैंक यू हाइड्रा। ठीक है, मैं बताती हूँ, इन्वेस्टमेंट बताती हूँ। व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच कंट्रीज कैन बी लिंक्ड। अब जो बोर्ड का सिलेबस है उससे आप बस यही लिख सकते हो कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंट्रीज और उनके मार्केट्स आज लिंक हो रहे हैं। क्लियर, तीसरा वाला क्वेश्चन इज नॉट देयर इन योर कोर्स, बट आप कर सकते हो बाई लॉजिक कि ग्लोबलाइजेशन ने बाई कनेक्टिंग कंट्रीज क्या किया है, लेसर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स, ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स, नो चेंज इन कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स। क्या लिखोगे बेटा, पानी पी लो।
बी ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि आज अगर मैं ऑनलाइन एक स्टोर खोलती हूँ, मैं सिर्फ अपने देश के कंपनी से कम्पीट नहीं कर रही बट इंटरनेशनली कम्पीट कर रही हूँ, क्योंकि आज एज अ कंज्यूमर आप मेरा टी शर्ट भी खरीद सकते हो और बड़े ब्रांड के शॉप में जाके भी टी शर्ट खरीद सकते हो। हाँ बेटा, पूरा चैप्टर हम अगले हफ्ते करेंगे, ठीक है? हाय ध्रुव, ऑलराइट, ओके ना। अच्छा, ये आंसर्स है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, जो एज अ बिग क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्री मार्कर भी आ सकता है, इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले कुछ बच्चे डिफरेंस पूछ रहे थे बिटवीन इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर। नाउ गाइस, एक्सपेंडिचर वो चीज होती है जिसमें आप पैसा डालते हो पर आपको वापस पे बैक ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैंने मोमोज खाल खरीद लिए तो 20 रुपए के खरीदे, 20 रुपए एक्सपेंडिचर है ना, मुझे वापस इनकम में कुछ नहीं मिल रहा, इट हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन, मेरा पेट में गया बट एंजॉय किया मैंने, बट इट इज़ एक्सपेंडिचर। कभी कभी कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमने ये चेयर खरीदी है 50,000 रुपये की, ये एक्सपेंडिचर नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। लोग बोलते हैं ना ऐसी लाइन कि इतनी महंगी खरीदी हम एक्सपेंडिचर नहीं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस चेयर से हमारे बैक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और आगे को हमारे पैसे बचेंगे जो वैसे खर्च होते अगर हमारी बैक खराब हो जाती तो। इन्वेस्टमेंट इज अ वे ऑफ सेइंग दैट यू आर पुटिंग मनी बट यू विल गेट मनी बैक, यू आर सेविंग मनी। तो अगर आज आपकी कोई कंपनी है जिसमें मैंने 1 करोड़ रुपए डाले एज एन इन्वेस्टमेंट, मेरा ये है कि जब आप प्रॉफिट कमाओगे तो मुझको जो है 2 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट। क्लियर? थैंक यू आर्यन, कहीं समझ आ गया? आगे बढ़ जाए, रिपीट कर तो दिया, कितना रिपीट करूं। हाँ, जैसे अभिषेक सर ने मुझे अभी रिसेंटली बोला था, माइक खरीद लो ब्लूटूथ वाला जो 12,000 रुपए का है। मैंने कहा सर ये तो बहुत खर्चा है, तो उनका यही लाइन था, बेटा ये खर्चा नहीं इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको जो है टीचिंग करना है आगे अपने फोरसीएबल फ्यूचर के लिए, तो आप माइक में जो खर्चा करोगे उससे आपको और स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी और जितनी मेहनत और पैसा खर्च आप क्वालिटी इंप्रूव करने में लगाओगे वो बचा लोगे जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग अ माइक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप बस इतना समझो, इन्वेस्टमेंट इज अ वे ऑफ स्पेंडिंग मनी बट यू गेट मनी बैक, यू आर सेविंग मनी, आपको पैसा वापस मिलता है। हो गया, अब वापस से वीडियो को पीछे देख के जाके वापस से पढ़ लो, ठीक है? चलो, व्हाट इज द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन? मैम, इज देयर एनी डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? बिकॉज हाँ बेटा, इस टॉपिक में है बट बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी जब हम लोग इस चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे तब आप, और अगले अगले संडे करेंगे, अनफॉर्चुनेटली बीच में हम नहीं कर पाएंगे, वी आर डूइंग क्वेश्चन सीरीज नेक्स्ट वीक, तो संडे को लाइव सेशन होगा। जो आप चाह रहे थे मैम संडे को लाइव सेशन ले लो, तब हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो तब आप लोग ये सब समझ लेना, ठीक है? मेंटी सॉल्यूशन कर दिया है मैंने मनी एंड क्रेडिट के, प्लीज उसको देख लो। चलो, फोकसिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन? ऐसा क्यों है कि हम बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अ न्यू फिनोमेना? क्योंकि फॉरेन ट्रेड तो बहुत सालों से हो रहा है ना, सिल्क रूट हुआ करता था पहले, लैंड से सी से हम एक दूसरे के साथ ट्रेड तो कर ही रहे, तो ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि आजकल दुनिया और ज्यादा इंटीग्रेट हो गई है, प्रॉपर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है? बिकॉज ऑफ टू मेन फैक्टर्स। पहला है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हैज स्टिम्यूलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। टेक्नोलॉजी में भी दो पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, माइंड मैप बना लो। पहला है ट्रांसपोर्टेशन। नो गाइस, आजकल ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो गया है जिसकी वजह से मार्केट्स इंटीग्रेट होने में देर नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल देती हूँ, एक क्रीम है जो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप लगाओ आपके लिए ज़रूरी है। अब वो क्रीम इंडिया में नहीं मिलती, तो मैंने ऑब्वियसली यूएस से मंगवाई। अब वो यूएस से आएगी, पता नहीं कौन से बोट में, एरोप्लेन में आ रही होगी, फिर उसके बाद प्रॉपर कस्टम्स में जाके बैंगलोर में किसी ट्रक में मेरे घर तक आएगी। एंड दिस टुक 10 डेज ओनली, 10 दिन में वो मेरे घर पे थी, राइट? तो ट्रांसपोर्टेशन के वजह से गुड्स का फैसिलिटेशन, गुड्स का इधर उधर होना कितना आसान हो गया है। आज आप मिंत्रा से शॉपिंग करते हो, 2 दिन में सामान आपके घर में होता है। अपनी मम्मी से पूछो या 5 साल पहले का ही सोचो, हमें खुद मार्केट में जाके सामान खरीदना पड़ता था, बट क्योंकि ऑनलाइन बिजनेसेस बढ़ गए तो हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं और ट्रेड भी इसमें बढ़ रहा है,
राइट। तो ग्लोबलाइजेशन बिकॉज इम्प्रूव्ड क्योंकि लॉन्गर डिस्टेंसेस में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है टुडे एट लोअर कॉस्ट, कम पैसों में सामान, इसीलिए तो फ्री डिलीवरी मिलती है आपको क्योंकि बहुत कम पैसों में ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है गुड्स का, ठीक है। सो दैट हैज इम्प्रूव द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर एक आपको इमेज दे रखी है, यहाँ पर कंटेनर्स है, कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर कंटेनर्स में ट्रांसपोर्टेशन है, कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट्स कैन रीच द मार्केट। पहले बहुत टाइम में गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, बट अब इन कंटेनर्स में सामान को भर दिया जाता है कम एरिया में। पहले बहुत ज़्यादा एरिया लेते थे तो कंटेनर्स में भरते हैं तो कम एरिया में सारा ज़्यादा सामान आ जाता है, ज़्यादा सामान शिप से इधर से उधर जाता है तो कॉस्ट कम हो जाती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आपका एक शिप है, पहले आप इसमें तीन चीज़ें ले जाते थे, शिप को इधर से ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने में आपको 1000 रुपये लगते थे, तो आप तीनों प्रोड्यूसर्स को में डिवाइड करोगे अपना कॉस्ट। पर अब आप एक शिप में इन कंटेनर्स के वजह से 20 चीज़ें ले जा पा रहे हो और 1000 रुपये ही लग रहे हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो 20 चीज़ें ले जाने के वजह से आपका कॉस्ट पर कंटेनर कम हो जाता है, राइट। सो दैट हैज़ व्हाट हैज़ हैपेंड एंड इट हैज़ इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ गुड्स जो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। द पावर ऑफ जर्मन इंजीनियरिंग। अच्छा, दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज ICT, विच इज आई थिंक, मतलब क्या ही बोलूँ, मज़ेदार चीज़ है ये। आज मैंने जैसे बोला मैं क्रीम ऑर्डर कर पाई क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल थी वो क्रीम, ऑनलाइन मैं गई, मैंने लिखा, एड्रेस डाला, वो आ गया बिकॉज ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज़, बिकॉज हमारा आज हम कभी भी किसी को भी वीडियो कॉल फ़ोन कॉल कर सकते हैं, इसके वजह से भी ट्रेड करना बहुत आसान हो गया है, राइट। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेज, इंटरनेट में भी। अच्छा, यहाँ लिखा है ईमेल, वॉइस मेल, क्योंकि आपकी बुक 10 साल पहले लिखी गई थी, इन्हें नहीं पता कि आज हम जीपे पे आ गए और इवन गोलगप्पे वाले के पास जीपे है, ठीक है। बट एनीवेज, सो दैट हैज़ ऑल्सो एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब आपकी बुक में एक बहुत अच्छा टेबल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ITहैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। तो क्या है, एक न्यूज़ मैगजीन है जो लंदन की न्यूज़ मैगजीन है, लंदन की न्यूज़ छापती है, पर वो छपती कहाँ पर है, प्रिंट कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। अब जो टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन है इट इज़ सेंड थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट मतलब ईमेल के थ्रू दिल्ली ऑफिस भेजा जाता है। क्या प्रिंट होना है वो लंदन ऑफिस में डिसाइड होता है, लंदन ऑफिस में डिसाइड होता है और वो दिल्ली ऑफिस भेजा जाता है, दिल्ली ऑफिस में ये प्रिंट होता है, प्रिंट होने के बाद द डिजाइनिंग इज डन ऑन द कंप्यूटर और फिर उस मैगजीन को लंदन भेजा जाता है और पेमेंट ऑनलाइन होती है। तो हियर यू कैन सी इन द अबव एग्जांपल कि कैसे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू दो जगहों पर, दो कंट्रीज में किसी एक चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। ITहै, ICT, IT सेम चीज है, डोंट वरी, यू कैन यूज इट इंटरचेंजेबली। हाउ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विद ग्लोबलाइजेशन, विद वुड ग्लोबलाइजेशन बी पॉसिबल विदाउट ICT? तो आप कह सकते हो नहीं, विदाउट ICT इतना ज्यादा इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट और ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आज मैं फॉरेन कंट्री से इसीलिए सामान मंगवा पा रही हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन पे कर पा रही हूँ, नहीं तो फिर वो बंदा कैसे मुझे सामान भेजता बिना पेमेंट के, राइट। यस, alright, let's move on to the second part, foreign trade policy. The second factor that has enabled globalization is foreign trade policy या फिर liberalization. Foreign trade policy क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं through a example जो आपके board exam syllabus में नहीं है, ठीक है। Let me say Chinese choice in India is not there in your board exam syllabus, but ये example अच्छा है तो हम इसको use करेंगे, ठीक है। तो हमारा इंडिया है और फिर आपका चाइना है, यू ऑलरेडी नो दिस स्टोरी, आपने सुना होगा। इंडिया में जो टॉयज है, जो टॉय मार्केट है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक एक गाड़ी लेने जाओगे तो 400-500 रुपए का छोटा सा कार मिलता है। अब चाइनीज टॉय मैन्युफैक्चरर्स को ये पता चली बात और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने इंडिया के टॉय मार्केट को अपने टॉय से फ्लड कर दिया, है ना। अब जो आप हो, आप मार्केट जा रहे हो, आपको सेम गाड़ी जो है 50 रुपए की मिल रही है और सेम गाड़ी 100 रुपए की मिल रही है। अब आप देखोगे नहीं ना कि किसने बनाई, चाइनीज वालों ने बनाई, इंडियन वालों ने बनाई, तो आप 50 रुपए की कार जो है खरीद लोगे। तो यहां क्या हुआ कि बिकॉज
लिबरलाइजेशन था, मैं बताऊंगी लिबरलाइजेशन क्या होता है, बिकॉज फ्रीडम ऑफ ट्रेड था, बिकॉज चाइनीज प्रोड्यूसर्स इंडियन मार्केट में आसानी से अपना सामान बेच पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने इंडियन मार्केट को फ्लड कर दिया और उनका काफ़ी प्रॉफिट हुआ और हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे उनका काफ़ी लॉस हुआ. क्लियर? राइट. सो दैट इज, अब इसमें इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं. इस सिचुएशन में सरकार कभी कभी क्या करती है कि एक ट्रेड बैरियर लगा देती है. ट्रेड बैरियर मतलब वो एक टैक्स लगा देती है एक तरीके का, जिसमें वो बोलेगी कि चाइना से गुड्स इंडिया में अलाउड तो होंगे बट उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा या 50% टैक्स देना पड़ेगा. तो ये ही गाड़ी जो 50 रुपये की इंडिया में बिकती थी अब 100 रुपये की इंडिया में बिकने लगी. उससे क्या हुआ, अब आप मार्केट जाओगे, अब आप दोनों में से कोई भी गाड़ी खरीद सकते हो. कभी कभी 120 रुपये की भी हो जाएगी चाइनीज प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ टैक्स. सो इसको हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर. राइट. टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर. इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज गवर्नमेंट कैन यूज इट टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू बैलेंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. ठीक है, समझ गए ना. तो कभी कभी सरकार क्या करती है, जैसे अभी रिसेंटली सरकार ने क्या किया कि जब हमारे यहाँ व्हीट और राइस की शॉर्टेज हुई है ना, काफी कमी हुई, तो उन्होंने एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया. उन्होंने कहा कि जो भी प्रोड्यूसर बाहर अपना सामान बेचेगा देश के, उनको इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. ये क्यों किया, जिससे मैन्युफैक्चरर्स बाहर ना बेचे और इंडिया में ही बेचे. तो कभी कभी फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए सरकार ट्रेड बैरियर लगाती है. क्लियर मैम. ट्रेड बैरियर कॉर्न लॉ जैसा है. हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर इज द कॉर्न लॉ, बट वो कोर्स सिलेबस में नहीं था तो मैंने नहीं पढ़ाया. ठीक है. तो अब आप कहोगे कि मैम ट्रेड बैरियर है एग्जाम्पल अगर, तो वाई इज इट अ फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे ट्रेड बैरियर लगाती है सरकार टू रिस्ट्रिक्ट फॉरेन ट्रेड, बट कभी कभी सरकार ट्रेड बैरियर हटा देती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज फॉरेन ट्रेड, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन. कहाँ है भाई, चलो मैं समझाती हूँ. इसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन वर्ड लिबरल से निकलता है. दैट इज लिबरल मतलब कभी कभी सरकार क्या कहेगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोग इन्वाइट करें, हम चाहते हैं लोग अपनी फैक्ट्री लगाए, आयरन एंड स्टील की लगाए, गाड़ियों की लगाए. तो जो ट्रेड बैरियर सरकार लगाती थी उसको वो हटा देगी जिससे फॉरेन ट्रेड इंक्रीज करे. अब क्वेश्चन क्या आता है कि व्हेन एग्जैक्टली डज द इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड. ऐसा क्यों है कि सरकार कभी भी ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाती है ना. तो इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं थी, हमारे यहाँ लोग इलिटरेट थे, तब सरकार ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैरियर लगाया था टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. क्यों, जिससे इंडिया में भी प्रोड्यूसर्स इमर्ज हो पाए. आज हमारे पास टाटा है, इंफोसिस है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी, या फिर लेंसकार्ट है, यू नो वी हैव सच बिग कंपनीज इन इंडिया. हाउ, क्योंकि इंडिया ने इन प्रोड्यूसर्स, मारुति है ना, गाड़ी में मारुति, पता है पाकिस्तान के पास आज भी होम ग्रोन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है. अगर आप थाईलैंड वगैरह में भी जाओगे तब भी उनके पास नहीं है, दे यूज इम्पोर्टेड कार्स, बट इंडिया हैज इट्स ओन कंपनी कॉल्ड मारुति. ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो सरकार ने ट्रेड बैरियर लगाया, जिसके वजह से कोई और फॉरेन कंपनी इंडिया में कार यू नो मैन्युफैक्चरिंग में आ नहीं पाई. तो इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी उनको काफ़ी पुश मिला टू इमर्ज. राइट. उनके पास कोई कंपटीशन नहीं था, तो इंडियन जो इंडियन लोग थे वो सिर्फ मारुति ही खरीदते थे. राइट. तो इसीलिए सरकार ने ट्रेड बैरियर लगाया. इंडस्ट्रीज इन 1950s एंड 1960s उनको काफ़ी कंपटीशन, जिससे ना हो, सिर्फ इम्पॉर्टेंट आइटम्स को अलाउड था इम्पोर्ट करना, जैसे मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम. बाकी चीज़ों पे सरकार ने बोला कि आप होम ग्रोन गुड्स ही खरीदो. ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स. चाहे वो सारे देश हो, US हो, कोई भी देश हो, पहले वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन देते हैं. क्लियर.
राइट। अब ये चेंज हुआ 1991 में समथिंग कॉल्ड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। जब तक हम 1990s में आए, हमारी सरकार को लगने लगा कि हमारी खुद की काफी कंपनीज आ गई है ना, टाटा हो, मारुति हो, इंफोसिस हो, काफी स्ट्रांग कंपनीज हमारे देश में आ गई थी। और टाइम आ गया था कि प्रोड्यूसर्स के बीच में थोड़ा कॉम्पिटिशन बढ़े। देखो, अगर आप अकेले हो क्लास में, आप हमेशा टॉप ही करोगे, है ना। अब दूसरा बच्चा आ गया, वो होशियार ज्यादा निकल गया, तो आप ज्यादा मेहनत करोगे ना, जिससे वापस से टॉप करो। हमेशा लाइफ लॉन्ग अकेले बच्चे रहोगे, लाइफ लॉन्ग टॉप करोगे तो आप पढ़ोगे ही नहीं। राइट, जब कंपटीशन होता है तो आप में ज्यादा फायर आता है कि मुझे बेस्ट होना है। तो यहीं पर सरकार ने सोचा कि कंपटीशन से परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी हमारे प्रोड्यूसर्स की और क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, क्योंकि कंपटीशन के वजह से उन्हें पता है कि कंज्यूमर बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस वाला गुड खरीदेगा। अब फॉरेन कंपनी आ गई है तो हमें भी अपना जो है स्टेटस, अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करना होगा। इसीलिए 1991 में इंडिया गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक मार्केट को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खोला। अब मैं उसी 2-3 साल बाद पैदा हुई थी, है ना। तो 2-3 साल बाद जब मैं पैदा हुई थी, मम्मी ने बोला, मेरी मम्मी ये बोलती है कि पहले हम एक ही तरीके का चावल खाते थे, एक ही तरीके के जूते पहनते थे, बट जब तुम 10-12 साल की हुई तो काफ़ी सारा मार्केट खुल गया था, है ना। मतलब टाइम लगा जूते वूते आने में वगैरह, टाइम लगा। तो बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा वेराइटी अवेलेबल होने लगी इन द मार्केट। Right, so barriers on foreign trade and investment were removed to ease import and export. Clear? What is liberalization? इसको हम बोलते हैं liberalization, removing barriers or restrictions set by the government. जब हम barriers और restrictions हटाते हैं जो सरकार ने impose किया है, उसको हम बोलते हैं liberalizations. Liberalization. All right. What do you understand? ये बुक में क्वेश्चन है, what do you understand by liberalization of foreign trade? तो आप यही लिखो कि liberalization of foreign trade का मतलब होता है trade barriers को कम करना या हटाना, so that ज़्यादा foreign investment हो और foreign trade facilitate हो। Tax on import is one type of trade barrier. The government also places a limit on the number of goods that can be imported. This is called quota. मतलब एक होता है टैक्स बैरियर, जिसमें कि जो भी इंपोर्ट आ रहे हो उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो। एक और तरीका होता है टैक्स बैरियर का, जिसको आप कोटा बोलते हो, जिसमें आप बोलते हो कि चलो इंपोर्ट हो सकता है बट लिमिटेड नंबर में। चाइनीज टॉयज इंडिया में आ सकते हैं लेकिन सिर्फ 1000 आ सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का ट्रेड बैरियर है टू एंश्योर कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स प्रोटेक्टेड हो। बट देखो, कोई भी ट्रेड बैरियर हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि इवन तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे बट उनको कंपटीशन नहीं मिलेगा तो अपना क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे। कोटा मतलब चाइनीज टॉयज आ रहे हैं, सिर्फ 1000 आएंगे, तो कोटा है 1000 का, राजस्थान वाला कोटा नहीं। मैम, डू वी पे टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट? अगर हम कोई इम्पोर्टेड चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे आजकल गाड़ियाँ बहुत महंगी है, आपने नोटिस किया होगा, है ना, कोई भी गाड़ी खरीदने जाओ बहुत ज़्यादा महंगी है, दैट इज़ बिकॉज कि सरकार उसमें इतना ज़्यादा टैक्स लेती है, इम्पोर्ट ड्यूटी, तो वो हमको पे करना पड़ता है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन क्या आएगा? मतलब आपको इतना पार्ट समझ आ गया, बस यही है आपके बोर्ड सिलेबस का चैप्टर, इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, इट्स ओके अनीता। लेट्स क्विकली बिफोर द मेंटी लुक एट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था तो आप बोलोगे कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद अदर इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। मतलब हमारी इकोनॉमी और हमारा मार्केट बाकी देशों के मार्केट से कनेक्टेड है और ये हो पा रहा है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ 3 things: पीपल, गुड्स एंड पीपल, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, या गुड्स, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, माइग्रेशन ऑफ पीपल, इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड। मैम, कॉम्पिटिशन लोकल नहीं होता क्या? लाइक इनर कंट्री में ही इतना कॉम्पिटिशन है, फिर फॉरन कॉम्पिटिशन भी चाहिए? अनुष्का, देखो, फॉरन इन्वेस्टमेंट खोलने से पैसा भी आता है बाहर के कंट्री का, है ना, विच इज़ गुड फॉर अस, और कभी कभी दैट इज़ गुड। मतलब कितना हम इंटरनल रहेंगे, आप सिर्फ अपने ही सेक्शन में करते रहो, यू नो, एग्जाम देते रहो, तो यू विल नेवर नो योर पोटेंशियल। जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे, सारे बच्चे सारे देश के अगेंस्ट आप लोग जो है एग्जाम दोगे, तब आपको पता चलेगा वेर यू स्टैंड। तो दैट इज़ लाइक फॉरेन ट्रेड ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब तक कॉम्पिटिशन पूरे दुनिया में नहीं होता, आप किसी कंपनी की वैल्यू क्वालिटी नहीं जज कर सकते।
ठीक है, व्हाट वर द रीजंस फॉर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, व्हाई डिड इट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स। तो आप बताओ कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारे पास खुद की कोई प्रोड्यूसर नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड बैरियर लगाया, बट 1991 में आते आते सरकार को रियलाइज हुआ कि मोर कॉम्पिटिशन विल लीड टू बेटर क्वालिटी बाय द प्रोड्यूसर्स और वो अच्छे कॉस्ट पे अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। इसीलिए उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की एंड दे डिसाइडेड दैट टाइम हैड कम फॉर द इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। क्लियर? यस। तीसरा क्वेश्चन, Why do developed countries want developing countries to liberalize that? अच्छा guys, by the way, this is not there in the course, तो उस गलती से आ गया है, आगे बढ़ते हैं। The impact of ये भी course में नहीं है, ठीक है, ये भी अभी course में नहीं है। The impact of globalization has not been uniform, not in the syllabus. How has liberalization of trade and investment policy helped the globalization process? है ना, तो आप बोलोगे कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर और उससे फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है एंड दैट हैज लेड टू मोर फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ पीपल, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसने मार्केट को ज्यादा इंटीग्रेट किया है। दिस हैज लेड टू डीपर इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज इनटू वन बिजनेस एज अ होल। क्लियर? ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, कैन यू इमेजिन व्हाट द वर्ल्ड विल लुक लाइक 20 इयर्स फ्रॉम नाउ? ये एक जनरल क्वेश्चन है, पर इसको बोल सकते हो आप कि हाँ, ग्लोबलाइजेशन कंटिन्यू होता रहेगा, मार्केट्स और ज़्यादा इंटीग्रेट होती रहेंगी एंड दैट मीन्स इन द फ्यूचर देयर विल बी नो डिविजन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। हमें जो चाहिए हमें इन अ फ्लिक ऑफ अ सेकेंड यू नो हमारे घर पर अवेलेबल होगा। आई थिंक उस तरीके से ग्लोबलाइजेशन होगा, मोर इंटीग्रेशन। ये भी आउट ऑफ द सिलेबस, ये भी आउट ऑफ द सिलेबस। आइंग ये क्या हुआ? ओके गाइस, गिव मी वन सेकेंड, ठीक है, कुछ ना गड़बड़ हो गई है। One second, guys. All right, I think कोई और पीपीटी आ गई थी, सो मेंटी शुरू होने से पहले वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस पार्ट से आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, जल्दी से करेंगे। आपको बस द रीजन इज आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी अ वन शॉट सोल्यूशन एग्जाम से जस्ट पहले। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका बोर्ड सिलेबस भी कवर हो जाता है और आपको क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोले। सस्ता सा स्मार्ट बोर्ड है तो बेटा आप दिला दो पैसे आप पे। Why do MNCs set up their offices and factories in regions where they get cheap labor and other resources? जल्दी से बता दो इसका आंसर। ऐसा क्यों है कि MNCs जो है offices और factories वहां खड़े करते हैं जहां पर उनको चीप लेबर अवेलेबल है? Is there any other way to stimulate and improve globalization other than technology? हाँ बेटा, foreign policy by removing trade barrier. तो यहाँ आप लिखोगे कि MNCs जहाँ पर set up करते हैं where they get cheap labor and inputs of production सस्ते में, है ना, वहाँ पर they will set up their production process, cheaper cost for more profit. How is information technology connected with globalization? इसको भी ये आ चुका है, लास्ट ईयर ही आया था एज अ टू मार्कर क्वेश्चन।
टू या थ्री मार्कर क्वेश्चन की तरह आता है, तो यू कैन क्लियरली लाइट राइट कि आईसीटी से काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया है ग्लोबलाइजेशन. इंडिविजुअल्स कैन नाउ कनेक्ट विद एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो इससे ट्रांजैक्शंस बढ़ गए हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस थ्रू द इंटरनेट. लेटेस्ट वाली भी लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल यू नो थ्रू गूगल पे और बैंक ट्रांसफर राइट. आईटी हैज एनेबल्ड रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड होने लगी है और ईजी डिसीशन मेकिंग हो गया है अक्रॉस बॉर्डर्स. ठीक है, बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इन इंडिया सिंस 1991. इसको जस्टिफाई करो. तो गाइस अगेन ये हम लोग कर चुके हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस अलग तरीके से आया है कि बैरियर्स को हमने 1991 में क्यों हटाए हैं. बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट रियलाइज कि इट इज नाउ टाइम फॉर प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट. उससे हमारा क्वालिटी इंप्रूव होगा, उससे जो है वैल्यू अच्छा होगा हमारे कंपनी का, इन्वेस्टमेंट आएगा. ठीक है, तो सेम चीज़ है. Why had the Indian government put barriers on the foreign trade and foreign investment after independence? तो क्यों foreign investment डाला, तो आप बोल सकते हो so that हमारा जो country है वो technological capability achieve कर पाए, है ना. सिर्फ कुछ essential goods allowed था import होना, जैसे machinery, fertilizer और petroleum. ठीक है, तो यहाँ और बाकी तो आपको बता ही चुकी हूँ कि कंपीट विद द प्रोड्यूसर्स, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोड्यूसर्स को इम्प्रूव करने के लिए लिबरलाइजेशन पॉलिसीज लाई गई. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पार्ट ऑफ द चैप्टर से आपके PYQ में आए थे. आई होप आपको फायदा होगा ये करके. हाँ बिश्वा, इट्स ओके. हाँ बेटा, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के मैप्स कराऊंगी. ठीक है, जल्दी से आ जाओ मेंटी लिंक पे. 2893-5451 इज द कोड. सेजल, आई टोल्ड यू ना, इट इज टेक्नोलॉजी एंड इट इज फॉरेन पॉलिसी. ऑलराइट, नाउ गाइस आज का जो मेंटी है दैट इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस पार्ट से आया है. तो फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. जल्दी से आ जाओ, द कोड इज 2893-5451. इट्स ओके अनुष्का. बेटा फॉरेन पॉलिसी वही होता है ना जो अभी समझाया, कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा अगर कंट्रीज अपने फॉरेन ट्रेड पे ट्रेड बैरियर्स हटा देंगे, लिबरलाइजेशन लाएंगे. तो अगर इंडिया में कोई फॉरेन बैरियर नहीं है तो कोई भी कंपनी इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री लगा सकती है ना. उसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, इंटीग्रेशन बढ़ेगा. US की कंपनी इंडिया में है, लेबर इंडिया की ले रही है, सामान कहीं और बेच रही है राइट. लेकिन अगर इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी अपनी ऐसे रखी कि ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, बोला कि चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडिया में अलाउड ही नहीं है, USA की कार अलाउड ही नहीं है इंडिया में जर्मनी की, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अकेले जो है इंडिया के कंज्यूमर्स के लिए गुड्स बना रहे होंगे, है ना. तो ग्लोबलाइजेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है वो. मैम प्रीबोर्ड्स के बाद वाइवा भी होता है क्या? बेटा कौन से सब्जेक्ट है? SST में नहीं होता. जल्दी से आ जाओ 2893-5451. इंस्टा नहीं देखा अनुष्का, टाइम नहीं मिला. आ जाओ, आई एम गोना स्टार्ट विद द क्विज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेड बैरियर? रेमिटेंसेस टू फॉरेनर्स, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टैक्स ऑन इंपोर्ट या इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स? अच्छा SST में होगा आपका, अच्छा है ना. जैसे यहां जवाब देते हो वहां जवाब देना. नहीं बेटा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, बट ज्यादातर यू नो सेक्शन A, सेक्शन B और केस बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं. टैक्स ऑन
import is an example of a trade barrier. Barrier मतलब किसी चीज को रोकना. Hi Devansh, thank you. Anshvansh Tyagi, UN, अच्छा, thank you. Abhinav Jain, Shivika, मतलब दिल खोल दिया आपने. Sumit, Sukana, Mridul, Ajita, Divya, Pandit Ji, Jishna and Ayush Yadav on top. क्वेश्चन नंबर टू हियर. कौन सा क्वेश्चन आएगा बेटा? करा तो दिए. इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने करा दिए, इंक्लूडिंग मेंटी. ठीक है, ये करके चले जाओ, हो जाएगा. कंज्यूमर राइट्स का वाइवा होगा ऑब्वियसली. आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसका वाइवा तो होगा ना. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिसाइड्स इन MNC? इट कंट्रोल्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मल्टीपल नेशंस. अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी दैट कंट्रोल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स. A body that ensures new technology is used by the farming sector. Hey Bhagwan, I think answer बहुत clear है. जो company production को और को control करती है more than one nation, उसको हम लोग बोलते हैं MNC. Clear? Ma'am, pre-boards का tension कम था क्या? जो ये भी है बेटा, ये तो बहुत आसानी से होगा, चिंता ना करो. Content team का options अलग है, I know. अंशवंश त्यागी, जिश्ना, अर्जित, सुमित, अभिनव, दिव्या, शिविका, इब्राहिम, अविशा, हाई फाइव टू यू टू एंड मृदुल ऑन टॉप. बेटा MNC एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्शन एक देश से ज्यादा में होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रही हूँ और इंडिया में ही अपना सामान बेच रही हूँ तो मैं एक डोमेस्टिक कंपनी हूँ, है ना. ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती है जो डोमेस्टिक कंपनीज होती है, राइट. बट अगर मेरा प्रोडक्शन जो है फैक्ट्री चाइना में लगी हुई है, उसका सामान जो है मेक्सिको में असेंबल हो रहा है, इंडिया क्या पूरी दुनिया में मैं अपना सामान बेच रही हूँ, उसका कॉल सेंटर बैंगलोर में है, तो ये एक MNC होगा. ठीक है, मल्टीनेशनल, एक नेशन से ज्यादा नेशन में एस्टैब्लिश्ड कंपनी. एंड असर्शन रीजन क्वेश्चन है. असर्शन है, इंडियन गवर्नमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, है ना. रीजन है, इंडियन गवर्नमेंट पोस्ट टू वांटेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन प्रोड्यूसर्स. मेंटी के पास जगह नहीं थी शायद. देवांश पढ़ा तो दिया, एक और बार हो सकता, लगता है लोग कॉमेंट कर रहे हैं बिना सुने. स्ट्रेस बढ़ रहा है आजकल. अच्छा, थैंक यू हाइड्रा. तो गाइस यहां पर पहला स्टेटमेंट सही है कि इंडिपेंडेंस के टाइम सरकार ने ट्रेड बैरियर लगाया था, और रीजन भी सही है. इसीलिए लगाया था क्योंकि वो इंडियन प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे. वो चाह रहे थे हमारे प्रोड्यूसर्स भी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी अटेन कर पाए. एंड ये बहुत अच्छा पॉइंट था, एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी जो बहुत सारे अदर कंट्रीज ने नहीं भी की थी, है ना. इसीलिए हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है आज. पहले आप एक्टिव रेगुलरली होती थी. हाँ बेटा, आप ज्यादा काम अभिषेक सर ने दे दिया है. अंशवंश त्यागी, दिव्या, शिविका, जिश्ना, अभिनव, सुमित, अर्जिता, मृदुल, पंडित, इब्राहिम ऑन टॉप एंड करेक्ट. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. असर्शन है, द रिमूवल ऑफ बैरियर टू ट्रेड इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन. रीजन है, Federalization of trade allows to freely decide which good to import and export. Federalization of trade, I think ये quite obvious है. खुद सिल चिल नहीं, अभिषेक सर भी बहुत काम करते. ठीक है, let's see. तो guys, first of all, option B, federalization word आपने कहाँ सुना है? How can B be correct? फेडरलाइजेशन वर्ड सुना कहाँ है आपने, ये बताओ. कहाँ सुना है? मैंने पढ़ाया, किसने पढ़ाया? लिबरलाइजेशन पढ़ाया था मैंने, फेडरलाइजेशन तो नहीं पढ़ाया मैंने, है ना. तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. अब ये मत बोलना मैम हमें लगा आपने गलती से फेडरलाइजेशन कर लिया. नहीं, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. AKR सर की बहुत क्लासेस है आज, यही करते हैं वो, क्लासेस लेते हैं. अंशवंश त्यागी, जिश्ना, अरिजीत, अभिनव, इब्राहिम, दिव्या, शिविका, सुमित, मृदुल, पंडित जी ऑन टॉप. क्वेश्चन नंबर 5 इज
ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज मोर गुड्स फ्लो बिटवीन कंट्रीज इंक्रीज टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज इनमें से क्या चीज ग्लोबलाइजेशन नहीं है मैम पानी के अलावा क्या पीते हो दूध कोल्ड ड्रिंक ऑल्दो मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती मोहीटो मॉकटेल लाइम मोहीटो डी लगता है मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल नहीं होता ग्लोबलाइजेशन में तीन मूवमेंट्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन में लोगों का भी होता है गुड्स का भी होता है चार इन्वेस्टमेंट का भी होता है पैसों का भी होता है टेक्नोलॉजी का भी होता है पर ट्रेड बैरियर से ग्लोबलाइजेशन रिस्ट्रिक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन में होगा अगर फॉरेन ट्रेड होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा ट्रेड बैरियर लगा देंगे कांटे लगा देंगे तो ट्रेड कैसे होगा राइट आर्ट ऑफ एलिमिनेशन लगाया आपने अच्छा अंशुमन अच्छा है लीडर वो देख लेते हैं हम अंशन वंश त्यागी स्टिल ऑन द टॉप जिश्ना अभिनव जैन ऑन टॉप सो गुड जॉब गाइस गुड जॉब जल्दी से ताली दे दो अंशन वंश त्यागी फाइनली बैक ऑन द लीडर बोर्ड कल नहीं थे कल कोई और था राइट सो जल्दी से हम लोग होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं आज के राइट अच्छा गाइस सॉरी ये भी एक पीवाईक्यू था जो हमने डिस्कस नहीं किया मैं आपको बता देती हूँ एग्जामिन द फैक्टर्स विच फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आप टेक्नोलॉजी और फॉरेन पॉलिसी दोनों के बारे में बताओगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज ICT ने कैसे एक मेजर रोल प्ले किया है प्रोडक्शन में सर्विसेज में इसके बारे में आप बताओगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्टिम्यूलेटिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कैसे टेक्नोलॉजी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि यही आपका बोर्ड एग्जाम सिलेबस है होमवर्क देख लेते हैं व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई MNCs हैव सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स विद चीप लेबर एंड रिसोर्स ऑप्शंस पढ़ लो आंसर बता देना हाय कुलदीप सर ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट हैज एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन तो आई थिंक ये मेंटी वाला ही क्वेश्चन है अब तो सही जवाब दे देना अब गलत दिया था तो टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स ऑन इम्पोर्ट किस चीज का एग्जाम्पल है राइट ऑल द थ्री क्वेश्चन आर फॉर योर होमवर्क आंसर कॉमेंट सेक्शन में डाल देना आपका नाम होमवर्क सुपरस्टार्स में अगले सेशन में आ जाएगा आज का PDF में टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नहीं मिलता तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना surbhi_nerdalert राइट मैम इन न्यू NCERT बुक सम टॉपिक्स आर ऑलरेडी डिलीटेड और नॉट हाँ बेटा नई NCERT बुक में भी कुछ पार्ट नहीं है इस चैप्टर का सिर्फ ये पार्ट आ रहा है बाकी पार्ट इंटरनल असेसमेंट में आ रहा है स्कूल एग्जाम में आ सकता है टीचर आपसे पूछ सकती है तो हम पूरा चैप्टर ये भी करेंगे इन द नेक्स्ट वीक ठीक है चलो वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो एंड याद रखना क्लास 9 and 10 SSG मतलब सुरभि मैम वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद योर चैप्टर्स दिस वीक मेक श्योर कि आप सेशन में आओ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से हम लोग आपका चैप्टर अगले क्लास में शुरू करने वाले हैं थैंक यू पूजा बाय बाय कुल्लू सर आप भी OP